हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम दीपेश है और आप सभी का स्वागत है हमारी अपनी यूट्यूब चैनल दीपेश गौर में। तो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आपने अपने चैनल पर 15, 20, 25, 50 तक वीडियो डाल दिए हैं पर आपका कोई भी वीडियो वायरल नहीं हो रहा है, कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। किसी भी वीडियो में अच्छे से अच्छा कॉन्टेंट आपने बना लिया है तब भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। नए नए कंटेंट पे आपने वीडियो बनाए, यूट्यूब टिप्स पे वीडियो बनाए हैं, फिर भी आपका वीडियो पे कोई रिस्पांस नहीं आ रहा। एक भी वीडियो वायरल नहीं हुआ, 50 वीडियो तक आपने डाल चुके हैं फिर भी आपका एक भी वीडियो अभी तक वायरल नहीं हुआ। वो क्यों नहीं हुआ है वो आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, नहीं तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है कि हमारे चैनल पर वीडियो वायरल क्यों नहीं हो रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे लाल आइकन दिख रहा है उसे क्लिक करके नोटिफिकेशन को ऑल पर क्लिक कर दे, आपको हमारी चैनल पर ऐसे ही यूट्यूब टिप्स से जुड़ी जानकारियाँ मिलती रहेगी। तो हमारे चैनल पर बने रहिए। वीडियो वायरल क्यों नहीं हो रहा है, इसका एक ही प्रॉब्लम है कि आपका चैनल फ्रीज हो गया है। जी हाँ, सही सुना आपने, आपका चैनल फ्रीज हो चुका है। आपका चैनल फ्रीज, मैं आपको जो 5 पॉइंट बताने वाला हूँ उन्हीं की वजह से आपका चैनल फ्रीज हुआ है। तो उन 5 पॉइंटों को ध्यान से सुनिए और लास्ट में आपको बताऊंगा कि चैनल को अनफ्रीज कैसे किया जाए। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। तो पहला पॉइंट यह है कि अगर आपको किसी ने ऑफर दिया हो या आपने यूट्यूब पर वीडियो देखा है कि इस ऐप में लॉग इन कीजिए, आपके 4000 घंटे वॉच टाइम और 1000 सब्सक्राइबर कम्प्लीट हो जाएंगे, इसी की वजह से आप उस ऐप में अपनी ईमेल आईडी से रजिस्टर कर लेते हैं, जो पहला कारण है कि आपका चैनल इससे फ्रीज हो सकता है। कौन वेबसाइट पर आपने रजिस्टर कर लिया जिसमें आपको 4000 घंटे वॉच टाइम मिल रहे हों, या फ्री में मिल रहे हों या पेड में मिल रहे हों वो नहीं पता, या फिर आपने किसी अनकाउंट वेबसाइट पर आपने रजिस्टर्ड कर लिया या अपनी ईमेल आईडी से, यूट्यूब की ईमेल आईडी से आपने रजिस्टर्ड कर लिया था, जिसे यूट्यूब आपकी चैनल का फीच कर सकता है। तो इस प्रकार से आप किसी भी ईमेल आईडी पर अपना रजिस्ट्रेशन ना करें, क्योंकि यह वेबसाइट फ्रॉड होती हैं, बड़ा तो देती हैं पर आपका चैनल इससे मोनेटाइज नहीं होने वाला। साइट किसी भी एप्लीकेशन या कहीं से भी अगर आप पैसे देकर वॉच टाइम बढ़वा लेते हैं तो यह इनवैलिड एक्टिविटी मानी जाती है। यूट्यूब के एल्गोरिथम को यह पता चल जाता है कि यह इनवैलिड तरीके से आपके 4000 घंटे वॉच टाइम बढ़ा है, जिससे आपका चैनल फ्रीज हो जाता है। इसका तरीका भी बताऊंगा, बस वीडियो को लास्ट तक जरूर। तो सब्सक्राइबर से सब्सक्राइब करते हो वो आपको एक साथ नहीं करना है। अगर आप मान लो एक ही दिन में कंप्लीट कर लेते हो या कुछ ही घंटों में कंप्लीट कर लेते तो उसे ऐसा नहीं करना है, इससे आपका चैनल फ्रीज हो सकता है। आपको धीरे धीरे एक दिन में 4-6 सब्सक्राइबर बढ़ा लेना, कभी सुबह दोपहर ऐसे करके आपको सब्सक्राइबर बढ़ाना है, इससे आपको इनवैलिड क्लिक नहीं माना जाएगा। अगर आप एक साथ बढ़वा लेते हैं तो आपके सब्सक्राइबर ड्रॉप हो सकते हैं, जिससे यूट्यूब का एल्गोरिथम आपको समझ लेता है कि आप अपने सब्सक्राइबर बढ़वा रहे हैं, तो इससे आपका चैनल फ्रीज हो सकता है। और पांचवा और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट कारण यह है जो सभी लोग कर लेते हैं कि अपने मोबाइल में जिसमें आपकी यूट्यूब चैनल की आईडी है उसी मोबाइल में आप 10 से 15 आईडी बना लेते हैं और उससे अपने वीडियो अपलोड किए गए वीडियो को बार बार देखते हैं, जिससे आप यूट्यूब के एल्गोरिथम की नज़र में आ जाते हैं, जिससे आपको इनवैलिड क्लिक माना जाता है और आपके व्यूज़ भी ड्रॉप हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, अपने जिस मोबाइल में आपकी यूट्यूब की ईमेल आईडी है उसमें आपको ज़्यादा ईमेल आईडी नहीं रखना है, बस 1-2 रखना है और आपको उनसे अपने खुद के वीडियो वॉच नहीं करना है, क्योंकि यूट्यूब का एल्गोरिथम आपकी इनवैलिड क्लिक मान लेगा जिससे आपका चैनल फ्रीज हो सकता है। तो अब मैं आपको बताया कि 5 तरीके जिनसे आपका चैनल फ्रीज हो सकता है और अब मैं आपको 2 तरीके बताऊंगा जिससे आप चैनल अपना अनफ्रीज कर सकते हैं। अगर इन 2 तरीकों से भी आपका चैनल अनफ्रीज नहीं हुआ और आपका कोई वीडियो वायरल नहीं हो तो आपको ये चैनल बंद करके दूसरी चैनल बना लेना चाहिए, जिससे कि आप ग्रो कर सकें। अगर यह चैनल अनफ्रीज नहीं हुआ तो आपका चैनल कभी ग्रो नहीं होने वाला। तो आप सुनिए ध्यान से, पहला पॉइंट कि आप लगातार अपने चैनल पर 3 महीने तक लगातार काम कीजिए। 3 महीने तक लगातार काम करने से क्या होगा कि आप यूट्यूब की एल्गोरिथम की नज़र में आ जाएंगे कि यह बंदा लगातार काम कर रहा है, यूट्यूब पर बहुत मेहनत कर रहा है, तो आपका वीडियो धीरे धीरे रिस्पांस आना शुरू होने लगेगा। तो आप बिल्कुल 3 महीने तक लगातार अपने 3 महीने तक लगातार यूट्यूब पर वीडियो बनाते रहिए और अपलोड करते रहिए, लगातार एक्टिव रहिए। तो पहला कारण यह है जिससे कि आपका चैनल अनफ्रीज हो सकता है। दूसरा कारण क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ।
एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी जिससे आप अपना एसईओ फुल तरीके से कंप्लीट करिए। उसमें आपको बताएगा कि आपने एसईओ कितना कंप्लीट किया है। उसमें 40 से 50% आपका एसईओ कंप्लीट होना चाहिए। अगर आपको ट्यूबबडी एप्लीकेशन यूज़ करना नहीं आता तो कमेंट करके बताइए, हम उस पर भी वीडियो बना लेंगे फुल इन्फॉर्मेशन के साथ। अगर आप अपना वीडियो का एसईओ कंप्लीट कर लेते हो और फिर भी आपका वीडियो वायरल नहीं होता है, और 3 महीने से लगातार आप काम कर रहे हैं फिर भी आपका कोई भी वीडियो वायरल नहीं होता है, तो आपको अपना चैनल बंद कर देना चाहिए। और अगर आपके वीडियो पर थोड़ा थोड़ा भी रिस्पांस आने लगता है तो आपको वीडियो बंद करने वो चैनल बंद करने की ज़रूरत नहीं। आपका वीडियो वायरल होगा पर थोड़ा लेट होगा और आपका चैनल भी ग्रो होगा, इससे आपको चैनल बंद करने की ज़रूरत नहीं है। बस अपने चैनल पर एक्टिव रहिए और काम करते रहिए, आप सभी का चैनल भी ग्रो होगा। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ऐसी यूट्यूब से टिप यूट्यूब की टिप आप टिप्स आपको मिलती रहेगी। तो इस वीडियो में इतना, नेक्स्ट वीडियो आपको आप जल्द मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।